पहला जो सवाल है हमारा कि होम मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अकॉर्डिंग किस स्टेट में सक्रिय बंदूक लाइसेंस धारकों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। तो चार ऑप्शन है, बताइए क्या जवाब हो सकता है इसका। और फैक्चुअल है और SCS में इस तरीके के सवाल आते हैं, तो इसका जवाब आपका यूपी है। और पानी के उबालने से सभी जीवाणु मर जाते हैं केवल एक को छोड़कर। तो कई बार कहते हैं ना कि पानी को उबाल कर पियो, तो फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और स्पोर्स। तो बताइए, और जनरल साइंस का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, एवरीडे साइंस भी आप कह सकते हो। और तो क्या जवाब हो सकता है? तो इसका जवाब आपका डी है, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट जवाब है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे इनके आंसर जरूर बताते रहिए। तो स्पोर्ट्स को छोड़कर पानी के उबालने से सभी जीवाणु मर जाते हैं, ये प्राय निष्क्रिय डोरमेंट स्ट्रक्चर होती हैं। तो स्पोर्ट्स होता क्या है? ठीक है, तो निष्क्रिय संरचनाएं हैं तथा तो प्रतिकूल वातावरण के प्रति इनकी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा अधिक होती है। तो स्पोर्ट्स पे सवाल पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मरीज को अस्पताल में रहते हुए अस्पताल से होने वाला संक्रमण क्या कहलाता है? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कि आप किसी बीमारी के लिए हॉस्पिटल जाते हो, लेकिन वहां पर तरह तरीके के मरीज होते हैं और वहां से कोई इन्फेक्शन अपने साथ ले आते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड संक्रमण या इन्फेक्शन, नोजोकोमियल संक्रमण और सेकेंडरी द्वितीय संक्रमण या पुनः संक्रमण। तो हॉस्पिटल गए इलाज कराने, लेकिन वहां से इन्फेक्शन साथ में ले आए, तो इसके लिए जो टर्म है आपका वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन या संक्रमण होता है। होता क्या है देख लेते हैं। तो मरीज को अस्पताल में रहते हुए अस्पताल से होने वाला नोजोकोमियल संक्रमण या नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहलाता है, या मरीज के अस्पताल में भर्ती होने के बाद 48 घंटे तक अथवा अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद 3 दिनों तक अथवा शल्य चिकित्सा के 30 दिनों की अवधि तक हो सकता है। तो ये टाइम पीरियड है, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। इसके लिए प्राय बैक्टीरिया, फंगस, वायरस उत्तरदायी होते हैं, जिसमें जीवाणु प्रमुख रूप से 90% योगदान करते हैं। तो कोई इन्फेक्शन आपके साथ आ गया तो इस पर सवाल पूछा जा सकता है आपका, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है, इनमें से सभी रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, एक को छोड़कर। ठीक है, जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर आपकी प्लाज्मा प्रोटीन होती है, तो कौन सा ऐसा है जो इसमें नहीं आता है? और ऑप्शन देख लेते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोनोजिन। तो फाइब्रोनोजिन का तो नाम आपने सुना होगा, ब्लड में प्रोटीन होती है, ये ब्लड को क्लोट करने में मदद करती है। तो एल्बुमिन भी होता है ब्लड में और ग्लोबुलिन भी होता है, यानी कि इसका सी जवाब है मायोसिन। मायोसिन नहीं होता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख भी पा रहे हो, मायोसिन जो है आपका मांसपेशियों में पाया जाता है, ठीक है, मसल्स में मिलता है आपका मायोसिन, तो मांसपेशियों में आपका होता है। और पेट कोक क्या है? पेट कोक क्या होता है? लकड़ी से बना कोयला, लोहा उद्योग का एक सह उत्पाद, तेल शोधन से प्राप्त पेट्रोलियम उद्योग का सह उत्पाद और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो कोक की बात हो रही है, पेट कोक की, तो ये आपका तेल शोधन से प्राप्त पेट्रोलियम उद्योग का सह उत्पाद है, फैक्चुअल है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये ब्रू रिफ्यूजीज के ऊपर परावर्तन के लिए केंद्र सरकार ने किन राज्यों के साथ समझौते किए हैं? ठीक है, ब्रू रिफ्यूजी बहुत न्यूज में रहते हैं हमेशा, तो वह आपका त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये जवाब है, फैक्चुअल है, अखबार आप पढ़ते हो गए उसमें इसके बारे में दिया होता है। नेक्स्ट है आपका एरोबिक सब्शन। तो एरोबिक सब्शन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? एरोबिक का मतलब ये है आपका ऑक्सीजन वाला सब्शन। तो ग्लाइकोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका इसका जवाब माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ द सेल आपने सुना होगा। तो पावर हाउस ऑफ द सेल ये है कि जो ऑक्सीजन है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, वहां पर आपके ATP बनते हैं। तो एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया, तो एरोबिक रेस्पिरेशन वह सब्शन है जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है। वायवीय सब्शन पौधों के साथ जंतुओं में भी होता है, कोशिका में। वायवीय यानी कि एरोबिक सब्शन का महत्वपूर्ण भाग माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, सॉरी आयुर्वेद संस्थान, ठीक
आयुर्वेद की बात है। तो उसकी लोकेशन पूछी गई है कि जयपुर में है, दिल्ली में है, रायपुर में या हैदराबाद में। कमेंट बॉक्स में आप मुझे तो जवाब दे सकते हो, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका जवाब आपका नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य का जो है कब शुरू किया गया था, डेट पूछ ली जाती है आपके एग्जाम में। इसे कई क्वेश्चन ऐसे आए थे जिसमें डेट पूछी गई थी, तो आपका वो 25 सितंबर 2017 है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका, मनुष्य शरीर में ऐसी कौन सी जो है ग्रंथि है जिसमें दोनों एंडोक्राइन और आपका बाह्य स्रवी, तो दोनों ग्रंथियां होती हैं आपकी मनुष्य के शरीर में, जो कि एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है, दोनों के गुण पाए जाते हैं उसका। मतलब तो लीवर है, तो ग्रंथि मतलब ग्लैंड, ठीक है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। चलिए तो इसमें कौन सा है, ऑप्शंस देख लेते हैं। आपने सवाल पढ़ लिया होगा, काफी वक्त मिल गया आपको देखने के लिए। तो ऐसी कौन सी ग्लैंड है, कौन सी ग्रंथि है जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, एंडोवियल एक्सोवियल, तो आपका पैनक्रियाज है। अग्नाशय को इंग्लिश में पैनक्रियाज कहते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसमें। मनुष्य के शरीर में तीन प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, बाह्य और अंत और मिश्रित, ठीक है। तो अब जो आपकी ये पैनक्रियाज है वो मिश्रित का एग्जाम्पल है, यानी कि दोनों गुण पाए जाते हैं उसके अंदर। रूस ऑनलाइन सर्वे के अनुसार यात्री यातायात में वृद्धि के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो इसका जो जवाब है वो बेंगलुरु वाला है, कैंपेगौड़ा फैक्चुअल था, सर्वे आया हुआ था। और विश्व महासागर दिवस जो है कब मनाया जाता है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप दो, एक दो सवालों के जवाब आपने भी देने हैं, तो डेज आपको जरूर याद होने चाहिए, इसलिए मैं इसका जवाब यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। डेली अखबार में भी आते हैं और कमेंट बॉक्स में जवाब दूंगा मैं इसका, आप मुझे दीजिए। कितने राज्य ऐसे हैं जिसमें जो है दो सदन हैं आपके विधानमंडल वाले, तो पहले सात होते थे अब छह हो गए हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर आपको पता है यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया गया है, दो बनी है वहाँ पर यूनियन टेरिटरी, तो इस वक्त आपके छह स्टेट हैं जहाँ पर आपका दो सदन है, आपका बिहार है, यूपी है, कर्नाटक है, ठीक है, महाराष्ट्र है और आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, छह स्टेट हैं। और इसके अलावा जो है आपका ये एक और सवाल है आपका, जो स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम बसेल रेक्टिकुलर परत डर्मिस को मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। तो पूछा गया कि ये कहाँ मिलता है, त्वचा क्षेत्र जहाँ तेजी से कोशिका विभाजन होता है, त्वचा के डर्मिस परत के गहरे क्षेत्र, मृत कोशिकाओं की परत, पारगमन कोशिकाएं, तो ये जो है इसमें आपने सुमेलित करना है। जो पहला है उसका वो आपका फोर है और दूसरे का आपका तीसरा है, यानी कि तीसरे से मैच करेगा, और आपका सी का है पहला और डी का है आपका सेकेंड, यानी कि इसका जवाब आएगा आपका सी, 4312। तो जैसे कि आप यहाँ देख भी पा रहे हो, ठीक है, सी जवाब है इसका। चलिए तो विश्व साइकिल दिवस, एक और सवाल आपके सामने है, तो डेज वाले सवाल आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देने, गूगल सर्च करो डेज, डेली अखबार आप देखते हो ना, हर अखबार में हर दिन का नाम दिया होता है और एक सवाल आने की उम्मीद रहती है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मैं आपको दूंगा। पंचतंत्र किसने लिखा, तो विष्णु गुप्ता या विष्णु शर्मा, इन दोनों में से कोई एक है, और ना शूद्रक है ना भारत मुनि है, इसका जवाब है आपका सी, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र लिखा। और इसके बाद है आपका एपिडेमिक ड्रॉप्सी की वजह क्या है, चार ऑप्शन है आपके, सैंगुन रिम, बी ओ ए एलगोट और दवा जनित, तो इसका जो जवाब है आपका वो ए जवाब है, ड्रॉप्सी, न्यूज में भी रहा था, पीछे अखबारों में था, बहुत ज्यादा आता था ड्रॉप्सी, तो एपिडेमिक ड्रॉप्सी की वजह सैंगुनेरिन है। एपिडेमिक ड्रॉप्सी रोग आर्जिमोन मैक्सिकाना बीज को तेल को खाद्य तेलों के रूप में उपयोग करने से होता है, ठीक है, इसको आर्जिमोन भी कहते हैं। तो अब इसमें क्या है कि जो आर्जिमोन मैक्सिकाना आपने तो ना सरसों का तेल बड़ा न्यूज में था ड्रॉप्सी की वजह से, पीछे दो तीन चार साल की बात हो गई तब बड़ा न्यूज में था, तो आर्जिमोन में सैंगुन रेन और डाईहाइड्रोसैंगोरिन दो प्रमुख विशाल जहरीले एल्कलोइड होते हैं जो बहुत ही जहरीली रासायनिक पदार्थ हैं,
इसके प्रयोग से मोतियाबिंद, हृदय गति रुकना आदि रोग हो जाता है। तो ये ड्रॉप्सी वाला मसला था ना, पीछे आपको याद होगा सरसों के तेल को लेकर बहुत ज्यादा अखबारों में बना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सचिन तेंदुलकर की जो है ऑटोबायोग्राफी कौन सी है इसमें, तो चार ऑप्शन है आपके, विंग्स ऑफ फायर और प्लेइंग इट माई वे, तो उसका आपका डी जवाब है। और दलहन के उत्पादन पर सवाल पूछा गया है, क्रम बताना है इसका दलहन के उत्पादन का, कि किसका क्रम में जो है दालें सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो दालें आपके मध्य प्रदेश में होती हैं, मध्य प्रदेश के बाद अभी ऑप्शंस आपके दो हैं, यूपीए की महाराष्ट्र है, तो इसका बी जवाब है। और कौन सी ऐसी है जो खरीफ की फसल नहीं है, तो चार ऑप्शन है, और कौन सी है इसमें से इसको हम कह सकते हैं कि ये खरीफ की फसल नहीं है, तो धान है, मूँगफली है और अलसी है। तो रबी, खरीफ और जायद, ठीक है, रबी, खरीफ और जायद, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये क्रॉप्स आपको पता होनी चाहिए, क्रॉप्स से पिछली बार सवाल भी पूछे गए थे कि कौन सी क्रॉप में क्या क्या है, ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में जवाब बता दूंगा इसका, लेकिन अभी आपने जवाब देना, आपका होमवर्क है, सोच कर बताइए इसका क्या जवाब है, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में भी जवाब नहीं देते हो। और एक आपने ये देखना है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, कौन सा स्टेट है, इसे भी एक सवाल आया था, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपने देखना है इसका, और खरीफ की कौन सी होती है और रबी की कौन सी होती है, जायद की कौन सी होती है, इस सवाल का जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि शायद ही कोई जवाब देता है, तो इसका जवाब ज़रूर मुझे दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कि वृक्ष की पत्तियाँ गिरती हैं जब उनमें बढ़ जाती है सांद्रता किस चीज़ की, तो ये आपके प्लांट हार्मोन है, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथिलिन, तो पत्तियां गिरती हैं आपकी, तो इसका जो जवाब है आपका वो है ए। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर अंगों की ऑक्सीजन आपूर्ति को घटा देता है, तो देखा हो ना कई बार लोग जब रात में अंगीठी जलाते हैं कोयले वाली और बंद होता है अंदर से, ठीक है, तो जो वहाँ की जो ऑक्सीजन है वो कोयला जो है सोख लेता है, कई बार ऐसा होता है, दम घुटने से सुबह तक मौत हो जाती है, तो वो जो गैस है आपकी वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है वो गैस, ठीक है, इसलिए रात में कमरे में सर्दी कम करने के लिए अंगीठी जलाकर सोने के लिए मना किया जाता है। और उसके बाद है आपका कि 2022 का जो नेशनल गेम्स हैं वो कहाँ पर होंगे, किस स्टेट में होंगे, मणिपुर, मेघालय, पुदुचेरी और गोवा, तो बताइए सोच कर कहाँ होंगे, बिल्कुल इसका बी जवाब है, मेघालय में। और उसके बाद है आपका भारत, दक्षिण भारत का बगीचा जो है किस डेल्टे को कहा जाता है, तो आपका कावेरी का डेल्टा है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, हाँ ये आपका है, बहुत आसान सवाल है, महाद्वीपों के ऊपर है, कॉन्टिनेंट के ऊपर है, आपका कॉन्टिनेंट्स पर है, और कॉन्टिनेंट्स पर पूछा गया है कि कौन सा कॉन्टिनेंट जो है सबसे बड़ा है एरिया में, सबसे छोटा कौन सा है, तो जवाब देने की कोशिश करो, ये बेसिक सवाल है, 6th-7th क्लास में आपने NCERT में पढ़ा होगा, तो सबसे बड़ा सबसे छोटा तो आपको ही तो पता ही है, कि अगर एरिया की बात करें तो आपका ये एरिया दिया हुआ है, मैं यहाँ बता ही देता हूँ, ठीक है, एशिया का एरिया, अफ्रीका का, नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, तो ये आपका जो है ऑर्डर में है, तो पक्का याद होना चाहिए, हालांकि बड़ा आसान सवाल था, लेकिन याद ना हो तो मुश्किल हो जाती है, ठीक है, याद ना हो तो मुश्किल हो जाती है, बताइए अब कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, बता सकते हो, तो अगर हम देख पा रहे हैं तो इसमें अफ्रीका जो है सबसे बड़ा हमें नज़र आ रहा है, तो ये सी ऑप्शन होता है 4312, जैसे कि आप देख पा रहे हो, एशिया के बाद आपका एशिया या अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, उससे छोटा यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। चलिए एक और सवाल देखते हैं, और सवाल पूछा गया है कि नॉर्थ से साउथ इनका ऑर्डर बताना है, नॉर्थ से साउथ इनका ऑर्डर बताना है कि कौन सा कंट्री जो है आपका नॉर्थ में, मैप के ऊपर बेस है, मैप पर बेस है, और ये अफ्रीका का मैप दिया हुआ है, तो एक आपने मैप पर भी काम करना है, मैप आपने एशिया, अफ्रीका, यूरोप, जितने भी देश हैं आपका ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना, उनको उनका ऑर्डर देखना है, शहरों का भी देखना है, एक सवाल आ जाता है आपका, कंट्रीज का भी आप देखिए, रिवर्स का देखिए, सिटीज का देखिए, एक सवाल होता है, तो इसका जवाब आपका बी है, ठीक है, बी जवाब है 4213।
थ्री। तो जिस तरीके से यहाँ पर जो है नॉर्थ से साउथ जो है आपने ऑर्डर बताना है, तो ग्रीनलैंड सबसे ऊपर है, उसके नीचे फिलीपींस है, फिर इथियोपिया है, फिर आपका चिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये डिजीजेस के ऊपर सवाल है, प्रॉब दी हुई है सामने, उनके डिजीजेस का नाम दिया हुआ है और पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें आपका जो गेहूं है, करनाल बंट, करनाल बंट जो है आपका ये सही सुमेलित है। तो करनाल बंट रोग गेहूं से संबंधित है, यह कवक फंगस से होता है, जबकि उकटा सफेदा रोग तना सड़न रोग कर्म से, उकटा आपका चने से जुड़ा हुआ है, सफेदा धान से, और तना है आपका मक्के से, मक्के का रोग है आपका तना सड़न रोग। तो ये रोग हैं, अलग से पूछे जा सकते हैं। और एलिसा का पूरा नाम क्या है, तो इसका भी जवाब है आपका, एलिसा का पूरा नाम तो एलिसा का है एंजाइम लिंक्ड इम्यून और सोरबेंट एसे, ठीक है। तो ये देख पा रहे हो आप, भी जवाब है इसका एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोरबेंट एसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है आपका, जब एंटीबॉडीज संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं तो इसे क्या कहते हैं, ठीक है। सवाल पूछा गया है, तो पैसिव या एक्टिव या दोनों या आपका कोई नहीं, तो इसका भी जवाब है, जब एंटीबॉडीज तो आपको पता ही है कि हम उनसे बीमारियों की लड़ने की ताकत आती है इससे, जब शरीर में बनते हैं तो इसको एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, जब बनते हैं तो इसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर के इम्यून सिस्टम को विशेष रोगाणुओं विरुद्ध सख्त एंटीबॉडी का निर्माण करती है, जो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी है, यानी कि आपके शरीर में जो है खुद से खुद जो एंटीबॉडीज बनते हैं। चलिए इसके बाद है आपका, पानी का क्लोरीनीकरण करते समय एक ऐसा बिंदु होता है, और जबकि पानी क्लोरीन की आवश्यकता पूरी हो जाती है, ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसको बोला जाता है आपका ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। चार ऑप्शन आपके सामने आएंगे हमेशा, तो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनिकेशन, सुपर क्लोरीनेशन, कॉन्टैक्ट पीरियड, क्लोरीन की आवश्यकता। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो है आपने पहले भी किए होंगे सवाल ऐसे, क्लोरीन के ऊपर, क्लोरीन पे सवाल आने की पॉसिबिलिटी है इस बार। तो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कहा जाता है, तो क्लोरीनेशन ऑफ वाटर पेयजल के शुद्धिकरण की वह प्रक्रिया है, और इसका प्रयोग पानी में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। आज हम हिंदी के क्वेश्चंस कर रहे हैं आपके लिए जीके में। क्लोरीनीकरण करते समय एक ऐसा बिंदु होता है जब पानी की क्लोरीन की आवश्यकता पूरी हो जाती है, ऐसे बिंदु को ब्रेक पॉइंट कहा जाता है, ये आंसर है। और नेक्स्ट है आपका, ये नीम की पानी में अधिकता है, तब से आपका पिगमेंटेशन मेलानोसिस बहुत ज़्यादा कैरोटिसिस हो जाता है। तो चार ऑप्शन है, और इनके ऑप्शंस में जो है पिगमेंटेशन मेलानोसिस और कैरोटिसिस हो जाता है, तो किसकी अधिकता की वजह से होता है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो आर्सेनिक की अधिकता की वजह से। तो ड्रिंकिंग वाटर में आर्सेनिक से संक्रमित जल से अधिक प्रयोग से त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है, इससे फेफड़े लीवर ब्लड सिस्टम प्रभावित होते हैं, इससे त्वचा संबंधी रोग, त्वचा का पिगमेंटेशन मेलानोसिस बहुत ज़्यादा कैरेटोसिस हो जाता है। चलिए वह मच्छर जो पानी की अप्राकृतिक संग्रहों को अधिकतर पैदा होता है, अप्राकृतिक संग्रहों में तो सबसे ज़्यादा जो पैदा होता है आपका बताइए कौन सा है, एनाफिलीज है, क्विलेक्स है, एडीज है या मानसोनाइड्स है, तो इसका जवाब आपका सी है, एडीज मच्छर है। यहाँ दिया हुआ भी है एडीज की कुछ प्रजातियों जैसे एडीज एल्बोपिक्टस पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में अधिकतर पैदा होते हैं, एडीज एल्बोपिक्टस को टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। अलग से एक सवाल और पूछा जा सकता है, जो येलो फीवर, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया जैसे रोगों का के कारक विषाणु का वाहक है, ठीक है, तो एडीज एल्बोपिक्टस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किसी रक्तवाहिका दीवार के कमजोर हिस्से में उभार आने पर एक थैली सा बन जाता है, उसको क्या कहते हैं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो है पिछले दिनों करंट अफेयर्स में भी था। तो एथेरोस्क्लेरोसिस, एन्यूरिज्म, एनास्टोमोसिस और आर्टियोस्क्लेरोसिस, तो इसको एन्यूरिज्म बोला जाता है, क्लोटिंग नहीं है, ब्लड में जो है जो स्टन वगैरह डाले जाते हैं,
तो इसी को हटाने के लिए जो है ना, पानी जो आपका ब्लड है वो आपकी जो नसें होती हैं उसके अंदर उनका सर्कुलेशन को ब्लॉक करता है, एन्यूरिज्म। तो किसी रक्तवाही का दीवार के कमजोर हिस्से में उभार आने पर एक थैली सी बन जाती है जिसको एन्यूरिज्म कहलाते हैं। यह आर्टियोस्क्लेरोसिस के कारण अथवा जन्मजात है। रक्तवाहिका का सख्त होना आर्टियोस्क्लेरोसिस कहलाता है। इससे रक्तवाहिका का लचीलापन खत्म होता है, उसकी दीवार भी कमजोर हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, ठीक है, और स्टेंट डालने पड़ते हैं। ये अगला है, सभी हड्डियां जो है आपकी, इनमें से कौन सी है जो हाथ में पाई जाती हैं एक को छोड़कर, ठीक है, तो एक को छोड़कर कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लैंजिस और कैल्केनियम। इसका जवाब आपका सी है, कैल्केनियम। कैल्केनियम जो है ये एड़ी की हड्डी है, बाकी आपकी कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लैंजिस, ठीक है। तो कार्पल्स आपकी 8 अनियमित हड्डियों आकार की हड्डियों का समूह है, कलाई में होती है कार्पेल्स। मेटा कार्पेल्स की संख्या 5 होती है और फ्लैंजिस आपकी उंगलियों की हड्डियां होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद है आपका पैंक्रियाटिक जूस का श्रावण निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो 4 ऑप्शन है और इसका जो जवाब क्या हो सकता है, तो ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो आपका है इसका कोलेसिस्टोकाइनिक, कोलेसिस्टोकाइनिक की वजह से होता है, और जैसे कि ये सीसी के भी बोलते हैं इसे, देख पा रहे हो, और इसको पैंक्रियोजाइमिन भी कहा जाता है। यह हार्मोन पैंक्रियाटिक जूस के स्रावित को प्रेरित करता है, जिसके फल फलस्वरूप को पैंक्रियाटिक जूस ग्रहणी में मुक्त रूप से डुडेनम बोला जाता है। ग्रहणी को वह ग्रंथि जो वयस्क अवस्था में गायब हो जाती है परंतु बच्चों में क्रियाशील रहती है। तो इसके जो जवाब है, इसमें थाइमस जवाब है आपका, डी जवाब है। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्या चीज है थाइमस ग्रंथि? वयस्क अवस्था में गायब हो जाती है परंतु बच्चों में क्रियाशील रहती है। मानव शरीर में थाइमस ग्रंथि गर्दन के निचले भाग और सीने के ऊपरी भाग में स्थित होती है। थाइमस ग्रंथि थाइमस हार्मोन स्रावित करती है और शरीर के प्रतिरक्षक तंत्र के विकास में भूमिका निभाती है। और उसके बाद अगला है आपका, यकृत का कौन सा कार्य है? तो कार्बोहाइड्रेट का इमल्सिफिकेशन और पितरस का गाढ़ा होना, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस और कोलेस्टोसिस्टोकाइनिन को स्रावित करना। तो 4 ऑप्शन है, इसका जवाब आपका सी है, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस। पढ़ लेते हैं एक बार। तो यकृत जिसको जो है आपका जिगर भी कहा जाता है, यह हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग है। शरीर के कार्यकलापों को सुचारू रूप से, देखो आज आप बात हो रही है आपसे हिंदी में, जो है जो जीके के क्वेश्चंस की जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यकृत कोशिकाओं में रुधिर प्लाज्मा की अधिकांश प्रोटीन का संश्लेषण करती है। बहुत बार पूछा जाता है, जिसे आपका एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनेक्टिन कहा जाता है। सुना होगा आपने प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनेक्टिन। तो ये कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे आपके, जो आपका एग्जाम अभी अपकमिंग होना है। बाकी स्टडी मटेरियल की डिटेल्स जो है आप हमारी वेबसाइट पर ले सकते हो। लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हैं जो वीडियो कॉलिंग और या ऐप के जरिए कराई जाती हैं, तो आप घर बैठकर भी जो है अपनी क्लास, रेगुलर क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं और बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, आप तैयार रहिए पहले से ही, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद वक्त कम मिलता है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, थैंक यू वेरी मच। कुछ मांडा, आईएएस एचएस एकेडमी फॉर सक्सेस।